प्रयागराज वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए। वो पत्थर चट्टी रामलीला कमेटी ने मिलकर इतने प्यार से बुलाया, हम मुंबई से चलकर आपके बीच में आ गए। बहुत बहुत अब कुछ लग रहा है कि कहिया खाना उन्हें खा के आएंगे नहीं आप लोग? आएंगे क्या? आगरा से आए हुए हमारे पवन जी, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत ही बगल से शिव की नगरी वाराणसी से आए हमारे डंडा बनासी जी का जोरदार स्वागत करें आप लोग। मैं अब दो इलाहाबाद के कवि हैं, जिसमें एक हमारे संचालक महोदय भी हैं, जो इस पूरे कवियों को संग्रह करके और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, शैलेश गौतम जी। उससे पूर्व मैं अखिलेश द्विवेदी जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पे जोरदार तालियां बजाइए। शैलेश जी के, शैलेश गौतम, आपको मैं बता दूं कि सभी कैलाश गौतम जी के सुपुत्र हैं, जिनका एक नाम रहा है देशों विदेशों में, और आज वो उस जगह को हमारे शैलेश जी संभाले हुए हैं। हम ज्यादा समय न लेके, चूंकि हमारे अतिथिगण अभी नहीं आ पाए हैं, हम एक 5 मिनट का ब्रेक आपसे लेंगे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और हम सीधे बस ले चलते हैं आपको जिस लिए आप आए हैं कवियों को सुनने। प्रसन्न लाल आजाद जी, आप इंदर भैया भाभी जी को ऊपर भेज दीजिए प्लीज। अच्छा है, मुझे लग रहा है प्रदीप जी कि आप डंडा बनारसी जी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हाँ लग रहा है। कन्हैया लाल गुप्त जी से मेरा निवेदन है, आगरा से आए पवन जी का माल्यार्पण करें। विजय भैंस जी, आप अखिलेश द्विवेदी जी का माल्यार्पण करें। भाई आप लोग तालियां मत सुनिए, अगर आप तालियां कम बजाएंगे तो ये कम सुनाएंगे, तराजू बराबर से चलेगा। शैलेश गौतम जी का स्वागत जब राष्ट्र जी ने किया, मैं राजेश पांडे जी, राजेश तालियां बजाइए। आप लोग खाना नहीं खा के आ रहे हैं, खाना खा के नहीं आए? नहीं, ताले तो छा गए, प्रयागराज वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए। वो पत्थर चट्टी रामलीला कमेटी ने मिलकर इतने प्यार से बुलाया, हम मुंबई से चलकर आपके बीच में आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार ना दो कि मैं यहीं का राशन कार्ड बनवा लूंगा। ऐसा लग रहा है गौतम की यहीं रहने लगो, ये गौतम जी कैलाश गौतम का बेटा है, बड़ा हो गया मेरे बाजू में खड़ा हो गया। अरे बाप, अरे इनके पिताजी, बाप रे, ये जब देसी भाषा में चक्र चलता था तो सारे कवि कहते दद्दू हम सो जाएं जाके, क्योंकि उनका जादू था, आज बच्चे में भी जादू आया। पूरी कमेटी को हम प्रणाम करते हैं, और देखो ये है हिंदुस्तान, रामलीला का मंच, और एक मुसलमान कवि को बुलाकर राष्ट्रीय एकता का सबूत दिया है। हम प्रणाम करते हैं आपको, ये आशीर्वाद आपका बना रहे, और मेरा समय आएगा तो मैं कुछ कुछ पढ़ूंगा। धर्मेंद्र जी हैं, आपका भी गजब यार। एक धर्मेंद्र हमारे पड़ोस में रहते हैं मुंबई में, पंजाब के हैं, और एक धर्मेंद्र हमको यहाँ मिल गए प्रयागराज में। कुछ दिन के लिए इनको हम उधार दे दो तो मुंबई ले जाना चाहते हैं। हाँ, तुम हमारा राशन कार्ड इधर का बनवाई दो, हम फिल्म इंडस्ट्री का तुम्हारा बनवाई दे।
प्रणाम करते हैं भैया आनंद ले परिवार के साथ मेरी शुभकामनाएं कार्यक्रम की सफलता के लिए जी। मैं कि इंसानियत के हक में यह ऐलान होना चाहिए, कोई भी हो पहले वो इंसान होना चाहिए, धर्म जाति भाषा मजहब इसकी बातें बाद में, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। ये प्रयागराज इलाहाबाद है। राम पथ है सुगम मूल्य आदर्श के, राम हर युग मेरा वर्ण का प्रतिरोध है, राम हर युग मेरा वर्ण का प्रतिरोध है। आइए, मैं बहुत मन से आमंत्रित कर रहा हूँ देश की ऐसी सर्वश्रेष्ठ कवित्री जो कि विदेशों में भी जाकर के जिन्होंने भारतीयता का कविता का साहित्य का परचम लहराया, मेरठ की धरा से मूलता है, नई दिल्ली दोनों स्थान उनका अपना होता है, हम सबके बीच में है देश की एक ऐसी कवित्री जो बाहर भी उसी तरह जानी जाती है, डॉक्टर तुषा शर्मा। मैं चाहता हूँ पूरा सदन जोरदार तालियों से उन्हें आमंत्रित करे, डॉक्टर तुषा शर्मा। माँ शारदे को प्रणाम करते हूँ। आदेश हुआ है माँ वागीश्वरी की वंदना का, तो आइए हम सब एक साथ मिलकर माँ वाणी की वंदना करते हैं, वंदना का अवगाहन करते हैं, मंच को भी शामिल करते हूँ, सुनेगा। उज्ज्वल उज्ज्वल धवला 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 उज्ज्वल उज्ज्वल हे कल्याणी जय जय हो, हंस वाहिनी श्वेत धारिणी वीणा पाणी जय जय हो, माँ वीणा पाणी जय जय हो। उज्ज्वल उज्ज्वल धवला 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 उज्ज्वल उज्ज्वल हे कल्याणी विचार करे ज्ञान संचार करे, तो हे वागीश्वरी ज्ञान दायिनी हे वागीश्वरी ज्ञान दायिनी हे सुरवाणी जय जय हो, हंस धारिणी वीणा पाणी जय जय हो, उज्ज्वल उज्ज्वल धवला 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 धवला। मेरे शानदार शहर के जानदार लोगों, चाहे जहां चले जाएं, इलाहाबाद में दो व्यक्तित्व, एक तो गंडा ये सम्मेलनों का अछूत है, अछूतोद्धार नहीं करना है मुझे, इसलिए मैंने इसका माला नहीं पहना, अपने के लगावत है हम अपने के लगा जिंदाबाद है। मैं बताऊं, एक हट्टा कट्टा पर्सनालिटी और एक गई गुजरी पर्सनालिटी, ये दोनों इलाहाबाद के हैं, और इसलिए आप अपने सौभाग्य को तालियां बजा के नमन कर सकते हैं। सबसे पहले मुझको लगाए हैं क्योंकि चूल्हा में सुखान लकड़ी लगत है, ये सोचे, मगर मैं आपसे कह रहा हूं, पंडित नेहरू दुबले पतले थे, भारत के प्रधानमंत्री बने, मुरारजी देसाई दुबले पतले थे, भारत के प्रधानमंत्री बने, और आपको बताऊं हिंदू धर्म पर जिसका सबसे बड़ा एहसान है गोस्वामी तुलसीदास, वो भी दुबले पतले थे, और उनका मैं 44वां वंशफल हूँ, इसलिए मैं भी दुबला पतला हूँ, और आपके सामने इसलिए कहता हूँ कि इस महानतम की
सबसे पहले आहुति दी जा रही है ताकि मंच पर बैठे तमाम महान की सम्मान की रक्षा हो सके। एक बार जोरदार तालियां भाई। निश्चित तौर पर अखिलेश भाई हलवाई की पहली जलेबी है। आप पैदा करेंगे। अब आप बैठ जाएं भाई साहब। बात बीच बीच में बीच वालों से हमारा कोना शुभ काम शुरू भवा के बीच वाले से अब मत आइएगा, नहीं ऐसा शराब दे दूंगा कि गोरखपुर में जन्म हो जाए। आप लोग बस मन बनाइएगा क्योंकि मुझको सबसे गया गुजरा समझ पहले लगाया गया है। इसलिए कहता हूं कि मंच पर अगर कोई बड़ा कवि है तो हालांकि बड़ा मैं भी हूं और यह बात सिर्फ मैं कहता हूं, फिर भी विजय भैया औपचारिकता निभाता हूं कि मंच पर बैठे हुए कवियों को एक बार प्रणाम, कवित्री को दो बार, संचालक को तीन बार और कसम भगवान की आप लोगों को सत सत बार। मैं प्रणाम इसलिए करता हूं कि इससे मुझे आपका आशीर्वाद मिलता है, प्रणाम इसलिए भी करता हूं कि इससे मेरी विनम्रता का बोध होता है, प्रणाम इसलिए भी करता हूं कि यही देश की स्वस्थ माटी है, परिपाटी है, और प्रणाम इसलिए भी करता हूं कि इसके अलावा मैं आपका कुछ करने लायक है नहीं। अच्छा अच्छा भाई। अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूं। अध्यक्ष जी जरूर कुछ न कुछ आपका पूर्व जन्म का हमारे संचालक से रिश्ता होगा क्योंकि आप भी बड़ी ही की मात्रा लगाने लायक नहीं। मैं विजय भाई को भी उसी श्रेणी में रखता हूं। कहां से आप लोग यार ये मुहारे पर छुटकर होगा जिन बैठा और पुलिस वालों से हमारा बहुत जान हो गया। एक बार मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे हम फाफा मऊ में फंस गए, पुलिस वाला हमका पकड़ लिया, कैसे हर चल हम उधर चले गए, कहे कागज है, हम कहा है, कहा हेलमेट, हम कहा बांधे हैं लगाए ले, हम कहा भैया हेलमेट का बोझ बहुत है बर्दाश्त नहीं हुआ, कहे लगा ले, मैंने लगा लिया, कहे कागज है, हमने कहा है, कहे सब सही है, हमने कहा सही है, कहे तब 100 रुपया निकाल, हमने कहा भैया जब सब चीज सही है तब काहे 100 रुपया दे, कहे पुलिस से जबान लड़ाने का। नहीं लेकिन ये बात यूपी पुलिस की थोड़ी हो रही है, नागालैंड पुलिस की बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। पकड़े गए फाफा मऊ में नागालैंड का। अरे भाई वहां भी है एक फाफा मऊ, तो घर भी जाना है ना भाई। हाँ आपको तो पहचान लेंगे, हम तो भीड़ में हराए जा। थोड़ा संबंध लगाइएगा यहाँ विजय भैया, मैं देख रहा हूँ कुछ पुरुष महिलाओं के बगल में बैठे हैं, संभव है पति पत्नी हूँ, जो पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठे हैं उन्हें बधाई, और जो दूसरे की पत्नी के बगल में बैठे हैं उन्हें ढेर सारी बधाई, क्योंकि सर दिलेरी का काम करने के लिए ज्यादा बधाई चाहिए। वैसे आपको बता दूं विवाहित पुरुष और विवाहित स्त्री, विवाहित महिलाएं दबंग समाज से आती हैं और विवाहित पुरुष शोषित समाज का सदस्य होता है, हमको तो यही अनुभव है आपका चाहते हैं। बहा करके चले आए जहां पर आच मन करने से दिल के दाग धुलते हैं, जहां पर आच मन करने से
दिल के दाग धुलते हैं उसी पावन त्रिवेणी में नहा करके। इस तरह से ताली नहीं बजाई जाती, आपने कविता का समुचित सम्मान नहीं किया। अगर इस लाइन पर आप नहीं बजाए तब किस लाइन पर बजाए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मैं यहां से मैं अपनी परीक्षा दे रहा हूं, यहां मैं फेल हुआ हूं, दूसरी परीक्षा देता हूं और आपसे पास करने के आओ जाओ ना। तो कोई अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो उनका सीधे ले आओ, अगर मंच के अधिकारी हो तो मंच पर ले आओ, नहीं सामने बैठा दे। और ये कह के गए कि मैं नेवला हूं, तो चार पंक्तियां पढ़ता हूं यहां से। अगर चार पंक्तियों में आपका भरपूर समर्थन नहीं आया तो मैं पांचवी पंक्ति पढ़ने की कसम खा के नहीं आया कि सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, बीजेपी को तो सांप खुद को नेवला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को नेवला बताते, धोबी के कुत्ते हो गए घर के नगारे। ड्राइवर समर्थन दे खुल करके भाई को रंग में आ रहे हैं। और मेरे गुस्से को हवा देना, कुछ दिन पहले ऐसी टिप्पणी आई है कि जिस पर गाली देने का मन होता है लेकिन मैं गाली नहीं देता, सिर्फ आप लोगों से समर्थन की भीख मांगता हूं कि मेरे गुस्से को थोड़ा सा अपना हौसला देना बस। कि सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, मैं नाम लेता हूं और ये उम्मीद के साथ नाम लेता हूं कि आप मेरा समर्थन करेंगे अगर बात सही होगी तो। कि सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, आशीष का मिलेगा फल अभिशाप का नहीं, एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो राम का नहीं वो अपने बाप का। अब ये देखिए ये होली का मंच है, अब कोई बुरा न माने, मैं देखिए संस्कार से भारत मेलन है इसलिए पढ़ता हूं। देखिए मैं आ जाए सर बैठ जाए आप, पीछे न बैठे, आगे चार पांच सीट खाली है, एक बहुत है आपके। ये अभी लड़की पढ़ रही थी सरस्वती वंदना के बीच में भाषण भी कर रही थी कि एहसान कुरैशी ने हमारे दिलों को जीत लिया, अगर इनको तुम्हें यही तुम्हारा दिल जीत लेंगे तो ये सबर खबर घर नहीं पहुंचनी चाहिए, घर पहुंचोगी तो कोहराम होगा और हम नहीं चाहेंगे, ये नहीं जीत, ये दिल किसी का नहीं जीते। हमें डंडा, एक तो डंडा एक तो लठ, क्या यार कवियों की आपने सिलेक्शन की है। देखिए इन्होंने कहा था कि हमारी पत्नी से पटती है, अगर पटती होती तो हम इस गई गुजरी काया के स्वामी न होते, पटती नहीं है यह इस सत्य को उद्घाटित करता है कि मैं शोषित समाज का सदस्य हूं। एक अगर मेरे पास भी पत्नी है बाबूजी, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है लगाया कर, बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं, मैं किस पर गर्व करती। तो मैं
निहायत अपमानित। और आपको बता दें 36 साल से जिस महिला के द्वारा प्रताड़ित हूँ, सरकार के एक नारे के मैं सख्त खिलाफ हूँ जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो उन काम अपने खिलाफ होती है माने, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है मैं अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। हाँ, दूसरे की औलाद छोड़ दे। और यहाँ से जब चार पंक्तियां पढ़ता हूँ एकदम देशभक्ति के चाशनी में डूबो के पढ़ता हूँ कि जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने, जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने, अपराधी माफिया है जो वो मंत्री बने, अपराधी माफिया है जो वो मंत्री बने, जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी वो अपने देश में प्रधानमंत्री। और सर एक भूतपूर्व सरकार थी सर उत्तर प्रदेश में, उसमें एक चर्चा थी, एक दिन खिसी आए कि मुख्यमंत्री से कह दिया भाई तुम राजनीति में बच्चा हो, जितना सुनते बच्चवा आकर के खड़ा हो गया सर, चच्चा को हारी मानना पड़ा, चार पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें एकदम देशभक्ति के चाशनी में डूबो कि जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चच्चा का भी चच्चा निकल गया। और सर ये देश है यहाँ समय समय पर अवतारों का होती है, हाथ में त्रिशूल लेके चलती है, मगर वो उस पराम्बा भगवती की तरह सिंह की सवारी नहीं करती, अपने भक्तों के गोदी में सवारी करती। जब ऐसी भगवती का आगमन होता है तो एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चार पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें। लाल चुनरिया से एक है तब कहती हूँ सुनिएगा, संघर्ष श्लेष के देखिएगा, आपके तो बीच में पड़े बले हैं बड़े हैं, तब कहते हो राह में कोई तो ऐसा भी दिखाई देगा जो तेरे पांव के छालों को बधाई देगा, राह में कोई तो ऐसा भी दिखाई देगा जो तेरे पांव के छालों को बधाई देगा, करवटे लेता है संसार ये जिसके दम से, करवटे लेता है संसार ये जिसके दम से, भीड़ में भी वो अकेला ही दिखाई देगा जो तेरे पांव के छालों। इस लेस को आप लपेटे में नेताजी में देखते हैं टीवी के अनेक चैनलों पर, देश और देश से बाहर इस प्रयागराज का नाम रोशन करते देखते हैं। मेरा मन हुआ ऐसा मुझे करना चाहिए तो मुझे अच्छा लगा, आप सबने समर्थन किया है। आती हूँ मैं चार पंक्तियाँ कहती हूँ, अक्सर कहा करती हूँ कि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ कुछ अभाव नहीं होता, पंक्तियों से बात कहती हूँ सुनिएगा। वक्त के साथ जो मुश्किल कोई टल जाएगी, प्रयाग वालों मैं आज बहुत समय बाद 10-15 वर्ष बाद आपके बीच आई हूँ। मेरी पहली पंक्ति था जिस धरती पर वंदे मातरम गूंज उठा जयकारा था, जिस धरती ने अंग्रेजों की तोपों के मुख मोड़े थे, लंदन वाली महारानी के देखे सपने तोड़े थे, उस धरती के क्रांति ज्वाल से
से निकली मैं अंगड़ाई हूँ, मैं हूँ तुषा उसी मेरठ से गीत सुनाने हूँ, मैं हूँ तुषा उसी मेरठ की खुशबू लेकर आई हूँ, मैं हूँ तुषा उसी मेरठ की खुशबू लेकर आई हूँ। मेरी उम्मीदों से थोड़ी सी कम तालियां थी। एक बार सदन सूचित करें, पूरी भरपूर तालियां। बहुत अच्छा जब लगता है जब अच्छी पंक्तियों पर आपकी तालियां आती हैं। कोई ताली छोटा बड़ा कुछ होता है तब मैं कहती हूँ सुनिए, चाहती हूँ बस इतना इंतजाम हो जाए, चाहती हूँ बस इतना इंतजाम हो जाए, वहशियों का हर किस्सा अब तमाम हो जाए, वहशियों का हर किस्सा अब तमाम हो जाए, लड़कियाँ बुजुर्गों जाने कब कोई बूढ़ा आसाराम हो जाए, जाने कब कोई बूढ़ा। खैर ये तो आनंद की बात थी, मैं चार पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ जिस रंग की मैं कवित्री हूँ। चार पंक्तियाँ कहती हूँ, साहब जब हम किसी से प्रेम करते हैं और प्रेम अतृप्त रह जाता है तो कैसी सी स्थितियाँ होती हैं आप तक बात पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। नहीं देते मुझे ये बावफा से बेवफा होने, नहीं देते मुझे ये बावफा से बेवफा होने, नहीं देते तुम्हारी याद के जुगनू चमकते हैं मेरे दिल में, तुम्हारी याद के जुगनू चमकते हैं मेरे दिल में, तुम्हारे साँवां पर ला सकीना आज कहती हूँ। अब मुझे आपकी तालियां चाहिए। जो अब तक भी जुबां पर ला सकीना आज कहती हूँ, मैं तुझसे प्यार करती थी, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। लटूरी जी आप तो अपनी कविता इतना लंबा पढ़ पढ़ा के ऐसे बैठ गए जैसे सूंगड़े से, और मैंने आपकी उन तालियों कविताओं पे तो क्या उनको भेंट करूं, तो वो चार पंक्तियां क्योंकि कवियों और कवित्रियों के पास तो उनकी पंक्तियां ही तोहफा होती हैं, ब्रिटेन पहुंचकर चार पंक्तियां उनको भेजी उपहार स्वरूप आप तक पहुंचाती हैं। देखिए मेरा मन बन जाएगा, हर एक कवि की अलग बात होती है, जो श्रृंगार की कवित्री होती है उसकी अलग बात होती है। ये तो सब मजाक की बात है क्योंकि उसके पास उसकी कविताएं कोमल स्वर और उसके जिंदगी वरना थी खुद की खबर नहीं तो मिला तो मिल गई, जिंदगी वरना थी खुद की खबर नहीं तेरी याद है मेरा हौसला, मुझे इस जहान का डर नहीं। आप अगर सब एक साथ मिलकर इस गीत पर ताली नहीं बजाएंगे तो मैं पंक्तियां दोहराती रहूंगी, सुनिएगा। प्यारा लगे त्योहार आई रे आई होली रे, लेके खुशियों का संसार आई रे आई होली रे, आई रे आई होली रे, आई रे आई होली रे, बड़ा प्यारा लगे
लगे त्योहार आई रे आई होली रे। होली के रंग में रंग गई गोरी, रंग चढ़ गया गह प्रेम इंतजार करते हैं। होली के रंग में रंग गई गोरी, रंग चढ़ गया गहरा। झटपट मला गुलाल छोड़ कर लाज शर्म का पहरा। ये तो हो गई आंखें चार और उसे शरीर के प्रत्येक अंग में छुपा लिया। अब उसे यह भी याद गया कि उसने कौन सी पर्ची कहां छुपा ली। उसके लिए भी उसने पर्ची तैयार कर ली। वो पर्ची पकड़ी गई। पिछले दिनों जब वाह वाह का मुकाबला हुआ सोनी के सब चैनल पर, मेरी ये रचना पूरे देश भर में पहचानी जाती है। मैं चाहता हूं एक बार पूरा मंच, भैया पूरा मंच मुझे सम्मान दे, क्योंकि मैं भी उसी क्रम में हूं जी। एक बार आप तालियों से मुझे बोर्ड की परीक्षा का सालाना सत्र, हिंदी का आया प्रश्न पत्र, सभी परीक्षार्थी पेपर हल कर रहे थे, कुछ अकल से और कुछ नकल कर रहे थे। तभी एक छात्र ने छोटी सी पर्ची निकाली, उस पर कुछ उड़ती सी नजर डाली, लेकिन निरीक्षक की नजर से बच नहीं पाया। भी लोग आश्चर्य करते हैं, लड़का ड्रिंक नहीं करता। अच्छा भाई, आपको पता होगा पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। ग्रामीण अंचल में आज भी व्यवस्था चल रही, पहले लोग खाना घर पर खाते थे, फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। आज स्थितियां कहां तक आ गई हैं, आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं होटल। आपको पता होगा पहले लोग कखागा से काम चलाया करते थे, जितने पुराने लोगों को जानते पहले लोग कखागा से काम चलाया करते थे, आज भी लोग कखागा से काम चला रहे हैं। पहले लोग कासे कमाते थे, खासे खाते थे, गासे गहने बनवाते थे, घासे घर बनाते थे। कासे कमाते थे, खासे खाते थे, गासे गहने बनवाते थे, गासे घर बनाते थे। आज भी स्थिति कहां तक आ गई है, आज लोग कासे कर्ज ले लेते हैं, खासे उसे खा जाते हैं, गासे गायब हो जाते हैं, रास्ते मिल जाए तो गासे घुड़की ओढ़ देते हैं। धन्यवाद बहुत अच्छे कौन भाई। आपको पता होगा सर, जितने राजनीतिक लोग बैठे हुए पहले आदरणीय, हाँ आए अभी अभी आए, पहले कोई नेता अपने पार्टी अध्यक्ष के पास टिकट मांगने जाता था तो कहता था, साहब आप मुझे उस शहर से टिकट दे दीजिए, मैं वहां से जीत जाऊंगा क्योंकि वहां के लोग मुझे जानते हैं। और आज का नेता जब भी पार्टी अध्यक्ष के पास टिकट मांगने जाता कहता, साहब आप मुझे उस शहर से टिकट मत दीजिएगा, मैं हार जाऊंगा क्योंकि वहां के लोग मुझे जानते हैं। सबसे पहले हम अपने अंदाज में नमस्कार करते हैं ताकि आपको लगे हम ओरिजिनली। बड़े जमींदारों को भी नमस्कार, गेट में खड़े गेट कीपरों को भी नमस्कार, छोटे छोटे बच्चों को प्यारा प्यारा नमस्कार, और महिलाओं को अति विशेष नमस्कार, और तमाम बुजुर्गों को अंतिम नमस्कार। अंतिम इसलिए कि आजकल मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इस देश के बुजुर्ग बहुत ऊपर तक जाते हैं, बिना राष्ट्रपति और बिना प्रधानमंत्री बगैर निकलते ही नहीं है। प्रणाम करते हैं पंकज जी आपको, बहुत अच्छा एक संयोजक ढूंढा है आपने, उनका नाम है धर्मेंद्र जी। जब पहली बार फोन में बात हो रही है, एहसान जी आ जाओ रामलीला कमेटी बुलाना चाहती, मैंने कहा क्यों, हनुमान जी की जगह खाली है क्या? नहीं नहीं बोले, ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ तो डबल स्टोरी का मंच है, तीन तो स्पेयर में रखते हैं। मैं उनका फिर आवाज़ तो बहुत अच्छी लग रही है, फिर मैं सोचने लगा मन में, यार धर्मेंद्र जी से मिलके मज़ा आएगा, लेकिन मैं सोच रहा था ये दिखते कैसे होंगे, क्या हेल्थ होगी, क्या हाइट होगी, मैं उनका पर्सनालिटी होगी कि पर्सनालिटा होगा, तो मैंने कैसा सोचा और सर कैसे निकले। चार लाइन में मैं सम्मान करना चाहता हूँ, हाँ धर्मेंद्र भैया जी तो महान है, धर्मेंद्र भैया जी तो महान है, ये पूरी समिति की शान है, और हम तो समझ रहे थे देवानंद होंगे, मगर ये तो दबंग के सलमान। अच्छे भैया, आपके चेहरों पे हंसी देख के इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हमने भैया आप पे चार लाइन सुना दिए, अपना पेमेंट पका लिए हैं, प्रेम नहीं, हम तो प्रेम पेमेंट नहीं, पेमेंट आपके प्रेम के पीछे आए हैं,
बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी समिति सामने बैठी है, हम प्रणाम करते हैं सर। अब बात कहाँ से शुरू करें, आज से 18 साल पहले चलते हैं, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो आया, 6 लोग ऐसे खड़े थे फाइनल के दिन, है ना भैया, आपने भी देखा होगा, फाइनल 2004 का शो था, 5 में फाइनल हुआ था। अच्छा उस समय जी तुम्हारे यहाँ आके देखते थे, बहुत बढ़िया। हाँ तो 6 लोग खड़े थे भैया, सबसे पहले फाइनल का दिन था, 2 लोग सामने बैठे थे, शेखर सुमन जी और सिद्धू जी, और सबसे पहले खड़े थे राजू श्रीवास्तव जो हमारे बीच नहीं रहे, एक बार ताली बजाकर उनको श्रद्धांजलि दे दी, हास्य को बहुत ऊंचाइयाँ दी उन्होंने, और क्या क्या किया उन्होंने, गाय कैसा क्या सोचती है, लाइट क्या सोचता है, माइक क्या सोचता है, ये सोफा क्या सोचता है, सबसे ज्यादा अगर राजू होते तो आज बताते ये वाला सोफा खूब खुश है। हाँ, ये सबसे ज्यादा नाराज क्योंकि इसमें जो बैठा है 3 घंटे से सो ही रहा, अंतर ध्यान भगवान, वो होते तो ये इनको बोलता सोफा भैया सांस भी लेना है, उठ जाए। ये राजू थे कमाल के भैया, बहुत अच्छे। बाद में सेकंड नंबर पे मैं था, मेरा अपनी 2 लाइन का स्टाइल था, आते ही से 2 लाइन सुनाया, सिद्धू जी फैन हो गए। मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, जम गया तो सचिन नहीं तो अजहरुद्दीन, और सिद्धू जी को मजा आ गया। उनके बाजू में रतन नूरा, सुनील पाल खड़े, जिनका अंदाजी जिंदगी में उसने कभी दारू नहीं पिया, मगर स्टाइल ऐसा करता था, भक्त जैनो कैसे हो सालों, अरे महाराज गाली वगैरह नहीं, सालों बाद आया हूँ, अरे बहुत स्टाइल, अबे फिर देख रहा है, उठा के पटक दूंगा, बोले 5 हाथी मेरे ऊपर से गए, कुछ नहीं बिगाड़ सके, कैसे, बोले मैं ब्रिज के नीचे लेटा था। सुनील पाल गजब का हर लाइन में पंच निकाला। उसके बाद थे पहचान कौन, नवीन प्रभाकर, जिनने लड़कियों का एक अंदाज पेश किया, और उसके बाद करे थे भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री सिद्धू जी ने फैसला देना शुरू किया, पंकज जी, सिद्धू जी ने सबसे पहले भगवान मान को आउट किया, इधर से शुरू किया उन्होंने। आज पूरे 18 साल बाद भगवंत मान ने सिद्धू जी को पंजाब से ही आउट कर, ये होता कॉमेडियन का पद है, ये है कॉमेडियन का पद, इसलिए कॉमेडियन से पंगा नहीं लेना, उनने सिर्फ स्टेज से किए, उनने पूरे स्टेट से ही आउट कर। अरे गजब का। फिर मेरा अंदाज चला सर, आप लोगों का इतना आशीर्वाद मिला, धर्म जी देश के कोने कोने से मेरी 2 लाइन पे SMS जाते थे, मेरी TRP बढ़ी, 24 देशों तक गई, आपके आशीर्वाद से मैंने 24 देशों की यात्रा किया, इस समय आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू वेरी मच आशीष देने के लिए। तो हम गया ये यहाँ तो रोज कर आते, आपके हनुमान जी आ जाते हैं, हाँ भैया ध्यान रखना, नहीं दीवार कूद के जाते हैं कैदी लोग, मगर बहुत मजा भैया, एक एक बात का आप मजा ले रहे हैं, हम प्रणाम करते हैं। पिछली बार हम बनारस से आ रहे थे, 2 घंटे का रास्ता, बीच में एक गांव पड़ा, वहाँ बोर्ड लगा था, अब प्राइमरी स्कूल था बच्चों का, लेकिन उनके प्रिंसिपल जो थे प्राचार्य महोदय हमारे फैन थे, तो उनने हम कविता की स्टाइल में बोर्ड लगा दिए, ब्लैक बोर्ड, सफेद बोर्ड था और काली लाइन में 2 लाइन लिखी थी, अब मजा लेना, स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, हाँ ये टोन अच्छी लग रही है, तो फिर बार बार दोहराऊंगा, स्कूल के सामने बोर्ड लगा था कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। मैंने कहा यार ये तो कविता की स्टाइल में लिखा, हम कार्यक्रम करके लौटे तो दूसरे दिन बच्चों ने कोयले से 3री लाइन लिख दी,
अब उनको काला रंग मिला नहीं बेचारों को, तो उनने कोयले से लिखे। अब तीसरी लाइन का मजा लेना। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। और एक बच्चे ने तीसरी लाइन लिखा, एक भी टीचर बचने ना पाए। नाम कर ये बच्चों का गणित भैया, क्या जमाना था है? क्यों लटोरी साहब, गंदा साहब, अपना जमाना था। क्या बच्चे पैदा होते थे, भोले भाले बच्चे, मासूम बच्चे, फूल जैसे बच्चे। अब तो डायरेक्ट बाप पैदा होते। हाँ, किस बात पे निपटा दें, बोल ही नहीं सर। एयरपोर्ट में आ गए, अधिकारी महोदय बोले चाय पी के जाओ। और ऐसी थी, यहाँ आए हो यार, तो बिना चाय के कैसे जाओ, हमका पिलाओ। बोले पहले एक बात बताओ, बोले आपका ऑब्जर्वेशन बड़ा तगड़ा रहता है, अगर इधर 100 महिलाएं बैठी हैं तो कैसे पहचानते हो इसमें कौन कौन शादीशुदा है? अरे मैंने कहा तो बहुत आसान है। मैं कहा जिसके गले में मंगलसूत्र लटका हो वो शादीशुदा। बोले अच्छा इधर आओ, अब इधर 100 पुरुष बैठे हैं, आप कैसे पहचानोगे इसमें कौन कौन शादीशुदा है? मैंने कहा ये तो उससे भी आसान है। बोल कैसे? मैंने कहा जिसका मुंह मंगल सूत्र की तरह लटका वो शादी शुदा। एक बार कुंवारा होने का सबूत दे दो, ताली बजा के ऐसे ऐसा। अब हाथ के लिए आए हैं ना, आज के दिन कुंवारा ही होने का सबूत दो, शानदार। वहां पर बच्चे खड़े थे, पॉपकॉर्न की मशीन लगी, फटाफट गर्म तवे पे ना ऐसा लाई फूटती है गर्म की, तो बच्चे भी ऐसा रिदम में नाच रहे हैं, फट फट। एक को पकड़ के लाए, मैं कहा बेटा ये गरम तवे पे ये पॉपकॉर्न क्यों चढ़ता? बच्चा बोला अंकल आप बैठ के देख लो। मैं ही भागा, बोले एक मिनट में समझ में आएगा अंकल, ये ऐसी पीढ़ी गरम तवे पे बिठा दे। अरे बड़े खतरनाक। मगर धर्म जी आपको प्रणाम करता हूँ, जो ड्राइवर लेने भेजे थे आपको सलाम करता हूँ। अरे वाह, मेरे नाम का ऐसा पोस्टर लेके भारी खड़ा है। अब मेरा कैप लगा है, काला चश्मा, मास्क, मैं तो छुप गया 90%। अब मैं उसका देख रहा हूँ, वो मुझे देख ही नहीं पा रहा। मैंने नाम पढ़ के गया, कैप उतारा, चश्मा उतारा, मास्क निकाला। भैया हमारी एहसान को रेसी है, तो वो ऐसा ऐसा कपने लगा। मैंने कहा मिर्गी आ रही है? बोले नहीं। फिर मैं कहा क्यों कप रहा? बोले हजूर हम जीवन में आपको पहली बार जीवित देख रहे हैं, इसके पहले क्या हमारी आत्मा दिखती थी? नहीं नहीं, बोले आप फिल्मों में दिखते हो, टीवी में दिखते हो, मोबाइल में दिखते हो, पकड़ में नहीं आ। तो मैं कहा तू क्या करना चाहता है? बोले आपको छू कर देखना चाहिए। मैं कहा छू ले? फिर उसने पेट में चिमटी लिया। मैं कैसा लगा? बोले नरम नरम लगा। अरे मैंने कहा बड़ा जोरदार आदमी आइटम यार, क्या नाम है तेरा? वो लल्लन यादव। मैं कहाँ के? वो बिहार के। मैं कहा हमको बिहार बहुत पसंद। अब पंकज जी आप पूछेंगे बिहार क्यों पसंद? देखो अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी सब जाते हैं, मगर हमें जो बिहार का आनंद है ना बता नहीं सकते। अब देश का नारा है हम दो हमारे दो, बिहार ने तीसरी लाइन लिख दी, हम दो हमारे दो, बाकी जितने हो मुंबई भेज दो। हाँ दो से ज्यादा नहीं रखते, सबको मुंबई भेज दे, दो रखते बस, एक दवाई लाने के लिए, एक सब्जी लाने के लिए। प्रणाम। दादा अच्छा लग रहा है? अरे आपके पास जो चश्मा है बड़ा ही जोरदार चश्मा, इतनी रात में भी दिख जाता है उसमें। अच्छा दिन में भी यही लगाते हैं, रात में भी? प्रणाम करते हैं। हमारे एक बीरबल जी हैं 90 साल के पुराने कलाकार, चश्मा लगा के सोते हैं। मैंने कहा दादा लगा क्यों सोते हो? बेटा बोले अगर सपने में माधुरी दीक्षित दिखे तो साफ साफ दिखना चाहिए। तो माधुरी दीक्षित तुम्हारे सपने में आएगी तो हम किसका सपना देखें? बोले ललिता पवार।
स्वामी जी और लाल भैया एक एक आदमी आनंद ले रहे हैं। मैं क्या बताऊं कहां से बात शुरू करूं और कहां से नहीं करूं। मैं एक बात दिल से कहना चाहता हूं, महिलाओं की संख्या कम है। अब दादा उसको जेब में रख लो। हाँ, इसमें कई नुकसान होते हैं। ये जितने मोबाइल लेके बैठे ना, एक तो खुद भी नहीं हंसते, वो बाजू वाला हंसता है, लाए मत, तो खुद भी नहीं हंसते, ना ताली बजाते, ना दूसरे को बजाने दे। अरे अब नेट का जमाना आ गया है दादा, एहसान कुरैशी ओरिजिनल बोलो, 2000 भर भरा के कैसे आनंद लेना, अभी लाइव का मजा लो। वैसे ही तो मोबाइल ने क्या क्या छीन लिया भैया, है ना भैया, अब सारी मेमोरी चली गई साहब इसी में ही। एक नंबर याद नहीं, पहले अपन 25-30 लोगों के नंबर तो यहाँ रखते थे। ए लगा 22 मुंबई लगाना, 022 लगा के लिख, तो अब वो भी चला गया। अब गणित करते थे लोग खट खट, हाँ यार 5 किलो प्याज दे दे, 25 अब कहाँ, वो तो मोबाइल निकाले, कैलकुलेटर भी इसी में, टार्च भी इसी में। अब ये सब दुनिया घड़ी पहनना छोड़ दी, कितनी कंपनी बंद हो गई, टाइम इसी में देख लेते हैं भाई जान, क्या करें घड़ी पहन के। तो ऐसी कई चीजें इन्हें बंद करवा दी, इसलिए लाइव का मजा अपना है, आप आमने सामने हैं। दीदी रहने दो ना, आप ऐसा गुस्से से देख रही है लेना, नहीं मजा लो, और एक बार जोरदार ताली बजा दो तो कपन शुरू करते, बहुत शानदार। अब भैया आना हो गया है, इतने प्यार से आपने बुलाए हैं, दिल जीतने आए हैं और दिल जीत के जाएंगे। पिछले दिनों हमारा कार्यक्रम करने दो देश के लोग आए, एक चाइना का आया, एक जापान का, और दोनों बस मिचरे। मैं कहा बिना आपके आदमी है क्या, नहीं बोले है मगर खुलती नहीं है। मैंने कहा बताओ ये चाइना, नजरें तो है ही नहीं और हमारी सरहद पे नजर गड़ाता है, ताली बजे सर, पहले नजर तो पैदा कर, सरहद पे नजर गड़ा रहे। अब धर्मेंद्र जी दिन में बता, भैया हमने भी यार चाइना के लोगों को 4 फुट से ज्यादा देखे नहीं, इनके मित्र आ गए, बोले हमने तो 6-6 फुट के देखे। तो धर्म जी कहते देखा होगा रे, सरहद के जवान अपने कभी कभी घूमने भी जाते हैं उधर, नाम करते। अच्छा कोई जरूरी नहीं मेरी बात अभी समझ में आए, कईयों को दूसरे दिन समझ में आती है, आपको जब समझ में आए जब बजाए, हाँ कोई जरूरी नहीं अपनी रिएक्शन दो। भैया दोनों आ गए बॉम्बे के होटल में, राउंड टेबल है वहाँ, तो राउंड टेबल में बैठ गए, एक चाइना का, एक जापान का और एक में इंडिया का। हमारी मीटिंग शुरू हुई, फूफा जी साढ़ू भाई प्रणाम करते, खूब अच्छी शक्ल में लाई इनने, जोड़ा पकड़ लिए आज आपको, इनको तो जाने नहीं देना अपने यहाँ, कल दावत देना है, हाँ अपने बच्चों से मिलवाना है, कुंभ के मेले में बिछड़े और रामलीला के मैदान में मिले, प्रणाम करते हैं। वाह भैया इलाहाबाद में ही बिछड़ के इलाहाबाद में ही मिले। तो भैया तीनों बैठे, तीनों का कपा, भाई जान आपका शो करना है जापान में और चाइना में। मैं कहा देख भैया हम शुद्ध हिंदी के खिलाड़ी हैं, थोड़ी बहुत उर्दू जानते हैं, तो हमसे चाइनीज नहीं आती, जापानीज नहीं आती। बोले आप लोड ना लो भाई जान, सुनने वाले तो सब इंडियंस हैं, इंडियंस क्लब का शो है। मैंने कहा अपने देश के लोग हैं फिर तो चलेंगे यार, चलो कॉफ़ी पियो। तीनों के लिए एक कप आया, अपन कॉफ़ी पीते हैं सर, खाली हुई, पंकज जी सीधे ही रखते हैं कप, वो चाइना वाले का कप खाली हुआ उसने उल्टा रख दिया। ये चाइना अजीब उल्टा आदमी, हर काम उल्टे कर रहा है, ये चाइना का ये आदत ही हो गई उल्टा करने। अब जापान वाले का कप खाली हुआ उसने सीधा रख दिया, पूरी होटल हमारी टेबल को देख रही क्या हो रहा है, एक कप उल्टा था एक सीधा था। मैंने कहा देश की इज्जत खतरे में, अपन भी दोनों मेरे से भिड़ गए, भाई जान इसका क्या मतलब है। मैं कहा पहले आप बताओ ये उल्टे कप का क्या मतलब है। चाइना वाला बोला कॉफी और नहीं चाहिए इसलिए मैं उल्टा रख दिया, जापान वाला बोला कॉफी अच्छी लगी एक और चाहिए इसलिए मैंने सीधा रख दिया। अब नई डिजाइन के चक्कर में अपन फंस गए, मानो नहीं किसका भी जवाब देना। मगर भैया देश की इज्जत बचाने के लिए हमने जवाब दिया और हमारा जवाब सुनकर ये पहली लाइन से आखिरी लाइन तक आपको लगे कि देश की इज्जत बच गई तो देश के लिए ताली बजाना जवाब सुनने के बाद।
मैं बोला बेटा ये आड़े कप का मतलब है हो तो दे दो नहीं तो रहने दो। भूल नहीं खाना चाहिए, इज्जत बचा के आना चाहिए। और इतनी अच्छी ऑडियंस से मिलवा दिए भैया, हम आवेदन दे के जाएंगे राशन कार्ड बनवाई देना और एक आध कमरा दिलवा देना, यही हर साल अपन यहाँ आया करेंगे रामलीला देखने। हाँ अगर हनुमान जी भागे ना तो प्रणाम करते, बहुत अच्छा लग रहा है यार। इतने अच्छे लोग, महिलाएं बैठी जो शुरू से आई, बहनें बैठी, आंटी बैठी, दादी बैठी, वो पीछे भी बैठी हैं। मैं सब महिलाओं का सम्मान इसलिए करता हूँ, पिछला ओलंपिक हुआ था ना पंकज जी, 125 करोड़ की आबादी इस देश की, अब हमारी टीम खेलने गई, केवल 2 महिलाओं ने इज्जत बचा के आई, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक। जोरदार ताली बजा दीजिए, वाह, इन 2 महिलाओं ने इज्जत बचा के आई। मेरा सम्मान महिलाओं के लिए बढ़ गया, जितने पुरुष खिलाड़ी थे खाने खुजाने ही गए थे, चल गोर महल का पैसा मिल रहा है, सुबह से स्विमिंग पूल के पास बैठ जाएंगे, वो गोरी गोरी अंग्रेजों को देखेंगे। ये पिछला था, लेकिन इस बार नीरज ने भाला फेंक के हमारा भी सीना ऊंचा किया, उसके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। वाह, वो दिन से मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मेरे बच्चे भी करते हैं। सर 15 अगस्त का दिन आया, मेरी पत्नी सुबह से चुप बैठी, 20 साल हो गए शादी, पहला अवसर था, चुप बैठी देवी, तो मैंने कहा असली आजादी तो आज अपने को मिली। मैं अपने कमरे में घुसा और दरवाजा बंद करके अकेले ही स्वतंत्रता दिवस मनाया, खूब नाचा भाई, मैंने 20 साल में पहली बार 1 घंटे की छुट्टी मिली। घबराहट हुई, बाहर आया बच्चा होमवर्क कर रहा, मैंने बच्चे से पूछा बेटा तेरी मम्मी ने रोजा रखी है, बोले नहीं पापा, मैंने कहा उपवास रखी होगी, बोले वो भी नहीं, अच्छा मैंने कहा मौन व्रत होगा, बोले पापा। भगवान ऐसे बच्चे सबको दे जो पिता का भी ध्यान रखते हैं। प्रणाम करता हूँ भैया, महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ। और आपका माशाल्लाह हरी साड़ी में कितनी प्यारी लग रही, बताई दी है पूरी की सवारी लग रही, मगर बिंदी लाल देख के अच्छा लगा। देखो पिछले कार्यक्रम में ऐसी बैठी थी मुख्य अतिथि, तो मैंने कह दी बताओ साड़ी भी हरी, बिंदी भी हरी, मांग भी हरी। मैं कहा बहन जी अपने यहाँ शादीशुदा महिलाएं लाल सिंदूर भरती हैं, आपने हरा क्यों भरा है? बोले बेटा हमारे यहाँ पति है ना रेलवे में ड्राइवर है, हाँ लाल रंग देख के बाहर ही रुक जाते, हाँ समझ गए तो बाजार। तुम्हारी अभी भी नींद नहीं खोली, भाई कह रहे कुछ ठंडाई मत दो, ठंडे हो गए बेचारे। बाप रे क्या साउंड है आपका यार, वहीं से माइक खराब हुआ था जब तुमने पढ़े, इतना प्यार से पढ़ लेते तो आज माइक बंद नहीं, एक छोड़ो दोनों खराब हो। अरे बाप गंदा बनारसी भैया, हम छोटे छोटे थे हमारे शहर में आते थे, बड़े नौजवान होते थे, क्या तजुर्बेकार आदमी है बताओ, गोबर सूंघ के बता देते हैं गाय की उम्र क्या हो। प्रणाम करते भैया, भैया प्रणाम करते, बहुत तजुर्बेकार हैं भैया, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक बार हमको दोहा सिखा रहा